हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। मैं यहाँ पे छत पे गई थी सुबह के आई थिंक 5 बज रहे थे, तो यहाँ पे सनराइज़ हो रहा था, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो रिकॉर्ड कर रही थी, बहुत प्यारा नज़ारा दिख रहा था। पहले हम लोग पापा के यहाँ रहते थे ना, तो डेली सुबह में देखने को मिलता था सूर्योदय। यहाँ पर आने के बाद तो सुबह सुबह नींद ही नहीं खुलती है, तो आज नींद खुल गई थी तो मैं छत पर आ गई थी। मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियोस देखना हो, कुकिंग, ट्रैवलिंग या किसी भी टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह हुआ है। अभी मैं बहुत देर से छत पे मॉर्निंग वॉक कर रही थी, क्योंकि मैं आज बाहर नहीं गई थी मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो आज प्रॉपर सूर्योदय होते हुए मैंने भी बहुत टाइम के बाद देखा यहाँ पे। जब पापा के घर में रहती थी तो डेली ही देखती थी, यहाँ पर मैंने भी पहली बार देखा। कितना खूबसूरत लग रहा है, देखा। तो अब नीचे जाते हैं, जल्दी जल्दी सब का किचन का काम करते हैं, ब्रेकफास्ट रेडी करेंगे, आर्यन को भी उठाना है, उसके बाद उसको स्कूल के लिए रेडी करना है। तो फिर चलते हैं नीचे किचन में। रात में मैंने किचन पूरी अच्छी तरह से क्लीन नहीं किया था, इसके लिए पूरा किचन मेरा फैला हुआ है अभी भी। तो इसको पूरा समेटते हैं, फिर आपसे मिलते हैं बाद में। जा रहे हैं मंदिर से पूजा करके आएंगे। अरे देखो बंद है, तुम रेडी होके रहना। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे सुबह सुबह मंदिर में पूजा करने के लिए, क्योंकि मंडे था, सोमवारी सावन का चल रहा है, सेकेंड वाला सोमवारी। तो यहाँ पे बहुत बड़े नंदी जी थे और महादेव का बहुत अच्छा खूबसूरत सा मंदिर है। ये पूजा करने में एकदम शांति से हम लोग सवेरे गए थे ना, तो अच्छे से हम लोग अकेले ही पूजा करके आए थे। ये मेरी भाभी है, हम लोग थे तीनों, तो पूजा वगैरह कर रहे थे यहाँ पे। यहाँ पे अविनाश जी भी पूजा करने आए हुए थे, लेकिन अविनाश जी ने पूजा कर लिया था, फिर मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे मेरे लिए। इन्होंने बोला मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, अब जाके तुम पूजा कर लो। मैंने इनका वाला रिकॉर्ड ही नहीं किया था। यहाँ पे हम लोग का पूजा हो रहा है। यहाँ पे नंदी जी, बड़े से नंदी जी, आर्यन सिंह रेडी होके छिक दिया, रेडी होके बैठा हुआ, आज तो नहा भी लिया। ये भी सवेरे यहाँ पे ना शालिग्राम जी भी है नीचे में रखे हुए हैं, दो तो मैंने देखा शालिग्राम जी का भी था, तो मैंने पहली बार देखा शालिग्राम जी यहाँ बगल में रखा हुआ था। शालिग्राम कहते हैं बेलपत्र 6 महीने तक खराब नहीं होता, देखते हैं। अब मैं यहाँ पे चली गई थी बेलपत्र और तोड़ने के लिए, थोड़ा घर में भी चढ़ाने के लिए, तब तक यहाँ पे अविनाश जी रिकॉर्ड कर रहे थे महादेव का। फिर यहाँ पे हम लोग घर आ गए। घर आए तो बेलपत्र नीचे वाली भाभी, उनका बेटा लेकर आया था, तो वही आर्यन बोल रहा था कि तुम उधर गई मम्मी, यहाँ पे भैया बेलपत्र देकर गए थे। फिर आर्यन अकेले ही आज रेडी भी हो गया था, मैंने कुछ किया नहीं। मैं देखा आर्यन मम्मी को लेट हो रहा है, तो ये खुद ही रेडी होके स्कूल जाने लगा था।